हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि मैं लीगल फील्ड को बिलोंग करता हूं और बेसिकली मैं एक लीगल रिसर्चर हूं। मैं लीगल टॉपिक्स पर रिसर्च करता हूं और उसकी एनालिसिस करता हूं। मैंने पीएचडी भी किया हुआ है पब्लिक लॉ पर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एज अ लीगल रिसर्चर मैं सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में क्या सोचता हूँ, सीबीआई की ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसके बारे में मेरी क्या ओपिनियन है, मैं आपको बहुत ही ब्रीफली इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इसके पहले भी मैंने दोस्तों बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, मैंने आपको बताया भी है। तो बहुत सारे एनालिसिस अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो सही साबित हुए हैं अब तक। तो दोस्तों पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह है कि मुझे लगता है कि सीबीआई ने ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत मामले का ये जो गुत्थी है, ये जो मिस्ट्री है, इसे ऑलरेडी सीबीआई ने सॉल्व कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है, ये मेरा ओपिनियन है एज अ लीगल रिसर्चर। मैंने इस केस को जितना समझा है, जितना एनालिसिस किया है, मुझे लगता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सीबीआई ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है, इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। सीबीआई को पता चल गया है कि कौन कल्प्रिट्स हैं और सीबीआई अब वेट कर रही है फॉर द राइट टाइम एंड द राइट मोमेंट। ये मेरा पहला एनालिसिस है। सीबीआई ने इस गुत्थी को सॉल्व किया है तो तीन चीज पर, तीन आप कह सकते हैं पैरामीटर्स पर बेस करके इस गुत्थी को सॉल्व किया होगा। पहला, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जैसा आप जानते हैं कि इस केस में जो ऑन स्पॉट जो एविडेंस थे, सबूत थे, वो मिट चुके थे, बहुत सारे एविडेंस मिट चुके थे। तो सीबीआई को वो सब एविडेंस नहीं मिले होंगे, क्राइम सीन कॉन्टेमिनेटेड हो गया था, इसलिए वहां से ज़्यादा हेल्प सीबीआई को नहीं मिला होगा। सीबीआई को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना पड़ा होगा। दूसरा, डिजिटल एविडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा इस मामले को सुलझाने में। जैसा मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोस में कि सीबीआई मोबाइल टावर डंप डेटा एनालिसिस पर बहुत ही निर्भर है, इससे सीबीआई को बहुत सबूत मिला होगा, बहुत सारे हेल्प मिले होंगे और ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा इस मामले को सुलझाने में, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा एनालिसिस है। थर्ड, सुशांत सिंह राजपूत के घर में जो लोग रह रहे थे उनमें से कोई एक सरकारी गवाह बन गया होगा। जी हाँ दोस्तों, उनमें से कोई एक सरकारी गवाह बन गया होगा और उसने सब कुछ उगल दिया होगा। ये भी मेरा एनालिसिस है कि सीबीआई ऑलरेडी सब कुछ जानती है क्योंकि जो सरकारी गवाह बन चुका है वो सब कुछ बोल दिया होगा। और मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप वो हिंट मिल गया होगा कि कौन सरकारी गवाह बन सकता है। इस आदमी के बारे में पहले भी खबर आई थी कि ये सरकारी गवाह बनने जा रहा है, इस तरह की खबर पहले आई थी। और इस आदमी का नाम एनसीबी के चार्जशीट में भी नहीं है। सबको लग रहा था कि एनसीबी के चार्जशीट में इसका नाम होना चाहिए, जहाँ पे दीपेश सावंत का नाम था, सैमुअल मिरांडा का नाम था, लेकिन इस शख्स का नाम नहीं था। यानी कि जो सरकारी वकील बन जाते हैं उनको ये एक एश्योरेंस दिया जाता है कि आपके ऊपर केस नहीं चलेगी, आपको कोई सजा नहीं होगी, आप सब कुछ उगल दीजिए, आप सब कुछ बता दीजिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो सरकारी गवाह मुझे लगता है इनमें से कोई एक बन गया है, अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट वो दे गया है और सीबीआई को सब कुछ पता चल गया है। फोर्थ, मुझे लगता है एम्स का रिपोर्ट जो कि एक बाधा बना हुआ था सीबीआई को 302 लगाने में, तो एम्स की रिपोर्ट पूरी तरह से सीबीआई खारिज कर देगी क्योंकि इस एम्स का रिपोर्ट बेस्ड था ऑन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर और विसरा रिपोर्ट पर बेस किया हुआ था। जैसा आप जानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां थी, टाइम ऑफ डेथ यही नहीं था, तो यानी कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो कागज के टुकड़े के बराबर है। अगर टाइम ऑफ डेथ नहीं है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और विसरा भी जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी नष्ट हो चुका था, खराब हो चुका था, तो इस खराब हुए विसरे पर अगर एम्स रिपोर्ट देती है तो वो एम्स का रिपोर्ट भी सही नहीं होगा। तो ये दो विषय हैं जिस पर एम्स के रिपोर्ट को खारिज किया जा सकता है सीबीआई द्वारा, और मुझे लगता है सीबीआई खारिज कर देगी। और जो विटनेसेस के जो स्टेटमेंट होंगे, जो सरकारी वकील सरकारी गवाह बना हुआ है उसका जो स्टेटमेंट होगा उसके साथ एम्स का जो रिपोर्ट है वो मैच नहीं करेगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा, विरोधाभास होगा, और जब कभी विरोधाभास होता है तो एक्सपर्ट ओपिनियन वो फेल हो जाता है और जो डायरेक्ट एविडेंस होते हैं या फिर जो विटनेस के एविडेंस होते हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो दोस्तों ये चार पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, मुझे लगता है कि सीबीआई चार्जशीट जल्द फाइल करेगी। पटना का जो एफआईआर है जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने फाइल किया था उसमें 302 ऐड होगा, चार्जशीट फाइल होगी और कुछ अरेस्ट भी होंगे।
अरेस्ट होंगे, चार्जशीट फाइल होगी, 302 भी लगेगा, मामला कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में क्या होगा ये तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसकी एनालिसिस में नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे एविडेंस होते हैं, प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, हियरिंग होता है, फिर कोर्ट का अपना निर्णय होता है। लेकिन मामला कोर्ट तक जाएगा, चार्जशीट फाइल होगी, इतना तो मेरा एनालिसिस कहता है दोस्तों। तो एज अ लीगल रिसर्चर, एज अ लीगल एनालिस्ट आप बोल सकते हैं, मैंने इस केस को जितना स्टडी किया है लीगल एंगल से, मेरा जो ओपिनियन है मैंने आपको बताया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, सीबीआई एक अच्छी खबर जरूर लेके आएगी। बेशक देरी लग रही है, लेकिन मुझे लगता है सीबीआई को सब कुछ पता चल गया है, और इसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया है और उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। इसलिए सीबीआई भी मुझे लगता है कि निश्चिंत है, और जो आदमी सरकारी वकील बन गया है वो भी अपने आप को निश्चित महसूस कर रहा है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि वो सरकारी गवाह बन गया है तो उसे अब कोई हानि नहीं होगी। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे चैनल से, मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।